हेलो एवरीवन, मैनेजमेंट मंत्रा के इस वीडियो में आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सर्विसेज, सेवाओं के प्रकार। तो नेक्स्ट आप देखते हैं टाइप्स ऑफ सर्विसेज से रिलेटेड कौन कौन से टॉपिक इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। बेसिकली इसको तीन टाइप्स में डिवाइड किया गया है, बिजनेस सर्विस, पर्सनल सर्विस और सोशल सर्विस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि गेट का क्या क्लासिफिकेशन है, उनके अकॉर्डिंग 11 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था सर्विसेज को। नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबिलिटी और इनटेंजिबिलिटी। ये मेन क्लासिफिकेशन होता है जिसके बेसिस पे सर्विसेज को डिवाइड करते हैं। इन सभी को डिटेल में देखने से पहले कॉर्नर आई बटन पे क्लिक करके आप सर्विस मार्केटिंग की प्लेलिस्ट देख सकते हैं, जिसके अंदर आप सर्विस मार्केटिंग से रिलेटेड डिफरेंट टॉपिक्स पर वीडियो देखेंगे। और डिस्क्रिप्शन में मैनेजमेंट और कॉमर्स से रिलेटेड डिफरेंट सब्जेक्ट के वीडियो के प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है, आप वहां से देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए, और किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, एक बिजनेस सर्विस, पर्सनल सर्विस और सोशल सर्विस। तो जो बिजनेस सर्विस होती है जिसमें आता है हमारा बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, वेयर हाउसिंग और कम्युनिकेशन, इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। टाइप्स ऑफ सर्विसेज, बिजनेस सर्विस आपको सपोर्ट करती है डेली ऑपरेशंस को इंटरप्राइजेस के, मतलब डे टू डे एक्टिविटी में आपको हेल्प करती है। सोशल सर्विस कोई भी वॉलंटियर एक्शन या सर्विसेज दी जाती है ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, मतलब उनकी इच्छा से वो खुद इनिशिएटिव लेते हैं कि उनको इस टाइप की सर्विसेज देनी। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विसेज, ये किसी भी क्लाइंट की स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है। इसमें फर्स्ट आता है बिजनेस सर्विस। बेसिक डेफिनेशन होती है सर्विस की कि ये आपको डेली फंक्शनिंग में किसी भी बिजनेस की डे टू डे एक्टिविटी में हेल्प करती है। फॉर एग्जांपल आईटी सर्विस, तो ये आपको देता है कि पर डे क्या रिक्वायरमेंट है, टेक्नोलॉजी का कैसे सेटअप हो रहा है हर बिजनेस में। आईटी सपोर्ट प्रोवाइड करती है सर्विसेज के एक्सचेंज में। तो आप इन सर्विसेज में देखते हैं कि जो भी बिजनेस एंटरप्राइजेस है वो स्मूथली फंक्शनिंग करे, मैनेजमेंट करे एक्टिविटी का। इसमें सर्विसेज होती है लाइक आपकी बैंकिंग, वेयर हाउसिंग, इंश्योरेंस, कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन। तो बिजनेस सर्विस आपके डेली बिजनेस को चलाने के लिए सही तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आपको बैंक की हर दिन जरूरत होगी, वेयर हाउसिंग की जरूरत होगी, इंश्योरेंस की जरूरत होगी, कम्युनिकेशन की, ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये सारी जो होती है बिजनेस सर्विसेस होती है। नेक्स्ट आता है कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं बिजनेस सर्विस के। तो फर्स्ट है हेटरोजीनियस, इन्वेंट्री, इनसेपरेबिलिटी, इन्वॉल्वमेंट ऑफ कस्टमर और इंटेंजिबल। जो बिजनेस सर्विस होती है ये हेटरोजीनियस होती है, मतलब कस्टमर की जो भी रिक्वायरमेंट है बिजनेस जैसी चाहता है वैसी होती है, मतलब ये सेम नहीं होती है। नेक्स्ट आता है कि ये जो सर्विसेज होती है वो सेम नहीं होती है, ये डिफरेंट होती है, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते हैं प्रोडक्शन और कंजप्शन से, और इसमें कस्टमर का इन्वॉल्वमेंट होता है और ये इनटेंजिबल टाइप की सर्विसेज होती है। इसके एग्जांपल बैंकिंग, इंश्योरेंस, ट्रांसपोर्टेशन, टेलीकॉम इंडस्ट्री। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस कॉमर्शियल एक्टिविटीज प्रोवाइड करती है इंडिविजुअल को कि उनकी इंडिविजुअल क्या नीड है उनके अकॉर्डिंग, मतलब पर्सनलाइज या कस्टमाइज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो भी कस्टमर की पर्सनल रिक्वायरमेंट है, पर्सनल नीड है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल लाइक कैटरिंग, होटल, एकोमोडेशन, मेडिसिन, किसी भी टाइप की आर्टिस्टिक एंडेवर्स लाइक पेंटिंग, स्क्रिप्टिंग। तो आप नोटिस करते हैं कि जो भी कस्टमर की रिक्वायरमेंट है उसको जैसी पेंटिंग चाहिए किसी स्पेशल ओकेजन के लिए तो उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। मेडिसिन जो भी पर्टिकुलर पर्सन को, पेशेंट को बीमारी होगी उसके अकॉर्डिंग दी जाती है। तो जो पर्सनल सर्विसेज होती है ये पर्सनल नीड के अकॉर्डिंग लोगों को प्रोवाइड की जाती है। तो ये सर्विसेज डिफरेंट पर्सन के अकॉर्डिंग डिफरेंट तरीके से प्रोवाइड की जाती है, उनकी जैसी डिमांड होती है उसके अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल रेस्टोरेंट, सैलून, टूरिज्म, अगर किसी को कहीं पर ट्रेवल करना है तो उन्होंने कहीं से टूरिज्म इंडस्ट्री से पैकेज लिया तो वो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कस्टमाइज करके देते हैं कि उनको किस प्लेस पे कितने टाइम तक जाना है, कितना बजट है, उसके अकॉर्डिंग वो पूरा बना के देते हैं। नेक्स्ट आता है सोशल सर्विस। ये टाइप की सर्विस, सोशल सर्विस जो कि पब्लिक सर्विस होती है, मतलब ये नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन या गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए जो भी बैकवर्ड एरिया है उनकी हेल्प कर सकें और उनको मोटिवेट कर सकें सोशल कॉजेस के लिए। तो सोशल सर्विसेज में आता हमारा एजुकेशन, मेडिकल फैसिलिटी और हाउसिंग। सोशल सर्विसेज वॉलंटियरी सोशल गोल्स को अचीव करने के लिए, सोसाइटी का स्टैंडर्ड इंक्रीज करने के लिए की जाती है। तो इसमें मेनली एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर आते हैं। तो जो हमने ये तीन टाइप्स देखे थे, बिजनेस सर्विस जो कि बिजनेस एंटरप्राइजेस डेली फंक्शनिंग और ऑपरेशन के लिए देता है, इसमें हमारी बैंकिंग, वेयर हाउसिंग। नेक्स्ट सोशल सर्विस, ये वॉलंटियरी बिजनेस ऑफर करते हैं इंडिविजुअल को, ये चैरिटी प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करती है लाइक एनजीओ, तो वो सोसाइटी के लिए कुछ कर रही है। नेक्स्ट आता है पर्सनल सर्विस। पर्सनल सर्विस स्पेसिफिक क्लाइंट के अकॉर्डिंग उनकी जो भी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग प्रोवाइड की जाती है। इसके एग्जाम्पल है लाइक टूरिज्म, रेस्टोरेंट। नेक्स्ट आता है गेट का क्लासिफिकेशन। जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड ने सर्विसेज को 155 एक्टिविटीज में सर्विसेज को डिवाइड किया था, जिसमें से मेजर 11 कैटेगरीज होती है, जिसमें फर्स्ट है बिजनेस सर्विस, कम्युनिकेशन, कंस्ट्रक्शन एंड इंजीनियरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एजुकेशन, एनवायरमेंट, फाइनेंस, हेल्थ, टूरिज्म, रिक्रिएशन और ट्रांसपोर्ट।
नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज. क्लासिफिकेशन ऑफ सर्विसेज मेनली दो बेसिस पर डिस्कस किया गया है. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ टेंजिबल एक्शन और सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ इनटेंजिबल एक्शन. तो जो टेंजिबल एक्शन होते हैं टाइप की सर्विसेज, इसमें कोई भी पीपल या प्रोडक्ट डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ये लोगों फिजिकल प्रोडक्ट या पीपल के थ्रू डिलीवर की जाती है, मतलब टेंजिबल जिनको कि हम देख सकते हैं वो सर्विसेज होती है. तो फर्स्ट आता है सर्विसेज फॉर पीपल. ये सर्विस लाइक डिलीवरी की जाती है लोगों द्वारा, सैलॉन, रेस्टोरेंट, हेल्थ केयर, टीचिंग सर्विसेज, जिसमें कि आप लोगों को देखते हैं और वो पर्टिकुलर सर्विस को डिलीवर कर रहे हैं. नेक्स्ट आता है सर्विसेज फॉर प्रोजेक्ट. ये सर्विसेज लोगों द्वारा किसी ऑब्जेक्ट को या किसी प्रोडक्ट के थ्रू आपको दी जाती है, लाइक रिपेयर, मेंटेनेंस, ड्राई क्लीनिंग, ट्रांसपोर्टेशन. तो ये क्या हुआ, प्रोडक्ट के थ्रू आपको डिलीवर की जा रही है, तो सर्विसेज फॉर प्रोडक्ट. नेक्स्ट आता है सर्विसेज क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन इंटेंजिबिलिटी. ये सर्विसेज में इन्वॉल्व होता है कि आप इन सर्विसेज को देख नहीं सकते हैं, फिजिकली आप इनको टच नहीं कर सकते हैं. तो इसमें दो टाइप्स होते हैं, सर्विसेज डायरेक्टेड पीपल माइंड और सेकंड आता है सर्विसेज डायरेक्टेड एट इंटेंजिबल एसेट. तो फर्स्ट आता है पीपल माइंड. ये सर्विसेज सोल्ड की जाती है कि ह्यूमन के मेंटली उसको अफेक्ट आता है. फॉर एग्जांपल कि कहीं पे आप ट्रेनिंग लेने गए, किसी इंस्टीट्यूट में आपने एडमिशन लिया, तो वो आपको क्या नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है, तो ये क्या हुआ, मेंटल एक्टिविटी. फॉर एग्जांपल अगर आप थिएटर में मूवी देखने गए तो वो भी क्या हुआ, एक मेंटल एक्टिविटी की आपने वहां जाके मूवी देखी, उसका एक्सपीरियंस लिया, तो ये क्या होती है, इंटेंजिबल सर्विस. नेक्स्ट आता है सर्विसेज डायरेक्टेड इंटेंजिबल एसेट्स. ये सर्विसेज डिफिकल्ट होती कि हम इसको क्वांटिफाई कर सके प्राइस में. ये कुछ लीगल सर्विस होती है, इंश्योरेंस सर्विस होती है, बैंकिंग सर्विसेज होती है, मतलब ये आपको इनटेंजिबल एसेट्स के थ्रू सर्विसेज मिलती है. तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज के इस वीडियो में आपने पढ़ा कि क्या टाइप्स होते हैं. तो फर्स्ट हमने देखा था बिजनेस, सोशल और पर्सनल, और फिर गेट का क्लासिफिकेशन और मेजर क्लासिफिकेशन टेंजिबिलिटी और इंटेंजिबिलिटी के बेसिस पे. वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए. और किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं. थैंक यू.